आपके परिवारजन को और आपके सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस पे बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक ऐसा त्यौहार है जो किसी भी धर्म जाति रीजन से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये त्योहारों का त्योहार है और ये सबसे बड़ा त्योहार है, इसे हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। ये हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि हमारे पूर्वज जो फ्रीडम फाइटर्स 190 साल अंग्रेजी हुकूमत यहाँ भारत में राज चला था, उनमें आजकल हम तो अपना टाइम डिवोट नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने अपना जीवन डिवोट कर दिया था। और वहां से लड़ते हुए तरीके भले सबके अलग थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे, कुछ मॉडरेट थे, लेकिन लक्ष्य हमेशा सबका एक था। आज हम चैन की नींद से सो पा रहे हैं, एक आजाद भारत में खुलकर सांस ले पा रहे हैं, ये केवल उनकी वजह से। और उनकी कुर्बानियों को और उनके सभी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। उनके सिद्धांतों पर, उनके प्रिंसिपल्स पर चलना आसान काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब ऐसे महाअनुभव लोग जब इस तरीके की एग्जाम्पल सेट करके जाते हैं तो उसे मैच करना मतलब नियर टू असंभव हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना है, हमें अपने आसपास के लोगों से प्रयास करवाना है, हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहना है, कभी भी किसी को किसी से मन मुटाव नहीं करना है, किसी को मूर्छित नहीं करना है। हम लोग को हमेशा एक यूनिटी जो कहते हैं, जैसे कि SSB का मोटो भी है, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, यही हमें ब्रदरहुड बना के रखना है। सर्विस अपने नेशन के लिए देना है और सिक्योरिटी हमेशा अपने परिवार, अपने कंट्री के लिए हमेशा सुरक्षित रखना है। तो यही मैं आशा करूंगा कि इस 75th एनिवर्सरी पे, इंडिपेंडेंस डे पे, आप सबके सब एक, जैसा कि हमारे सरकार के द्वारा कहा भी गया है, एक जन आंदोलन होना है और उसमें आप एक सच्चे भागीदार रहेंगे और नेशन बिल्डिंग और नेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग और एक न्यू इंडिया, यंग इंडिया बनाने के लिए अपना योगदान जरूर देंगे। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।